नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इंटरेस्ट माफी की बात जो हो रही थी उसका फाइनल अपडेट आरबीआई की तरफ से आ चुका है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना माफ होगा और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जो इंडिविजुअल लोन था, जो 2 करोड़ से कम का लोन था, उस पे लोगों को कितना राहत मिलेगा, इसका फुल अपडेट आ चुका है। चलिए पूरी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता है अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार और आरबीआई ने मिलकर ये अनाउंसमेंट किया था कि जो लोग को लॉकडाउन पीरियड में मोराटोरियम मिला था और जो उस पर इंटरेस्ट लगा था वो पैसा रिमूव होगा, माफ किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जो इंडिविजुअल लोन था, ये सभी की बात हुई थी। अब दोस्तों आरबीआई ने साफ साफ अनाउंसमेंट और इसका खुलासा भी कर दिया कि अब जो है जो आपका अमाउंट है आपका वो इंटरेस्ट माफी की जो बात हुई थी अब एनबीएफसी कंपनियां 5 नवंबर के डेट से पहले पहले इसको लाइव कर देगी। और दोस्तों जो सब लोग के मन में एक खुशियां थी कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगा है वो तो माफ हो जाएगा, पहले मैं आपको इस सच्चाई बता दूं क्या इसमें पूरी सच्चाई है। दोस्तों मान लो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 रुपये था और आपने 30,000 रुपया खर्च किया और वो पैसा पे नहीं कर पाए और दोस्तों बैंक उस पे इंटरेस्ट लगा के उस 30,000 के अमाउंट का 40,000-45,000 बना दिया, तो जो 15,000-10,000 रुपया जो इंटरेस्ट लगा था क्या वो पूरा इंटरेस्ट माफ होगा? नहीं दोस्तों, आपका दोस्तों करीबन 100 या 50 रुपये या 150 रुपये माफ हो सकता है, इससे अधिक आपका अमाउंट शायद माफ ना हो। दोस्तों देखिए जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें साफ साफ क्लियर किया गया था कि सभी लोग का इंटरेस्ट माफ होगा, बट दोस्तों जो पूरा इंटरेस्ट लगा है वो तो माफ नहीं होगा, ये बातें आज साफ साफ क्लियर हो गया। दोस्तों बैंक और कंपनियों का मन क्यों बढ़ रहा है? ये लोगों को हैरेसमेंट, रिकवरी एजेंट भेज के धमकी मार देना, गाली देना, उल्टी पुल्टी हरकतें करना, लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, फर्जी लीगल नोटिस दे देना, परेशान करना, लोग खाना पीना छोड़ दे रहे हैं, अपनी उनकी बीवी बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गलती किसका है? जब अपने देश का मुखिया ही जब कोई बातें करके उस पर ना अटल रहे तो इन लोग का मन नहीं बढ़ेगा? दोस्तों ये सच्चाई है। आज इसी चलते इन लोगों को परेशान करके बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल रहे हैं, इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? देश का मुखिया है। दोस्तों ये सच्चाई है। तो आप लोग के मन में जो सवाल था कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है मेरा वो सारा इंटरेस्ट माफ होगा, तो सारा इंटरेस्ट आपका माफ नहीं होगा। और जो इंटरेस्ट अभी लग रहा है वो आपका लगता रहेगा, वो कम नहीं होने वाला है। सिर्फ समझ जाओ कि ये बातें क्लियर हो गया है दोस्तों, इसलिए जो सारी बातें थी वो क्लियर हो गया है। और दोस्तों लाइव इसको 5 नवंबर से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो कंपनियां अच्छी हैं, जो समझ जाओ कि आरबीआई के अंडर में रहने के बावजूद भी वो अच्छी काम करती हैं, वो दोस्तों आपका इंटरेस्ट तो बहुत कम लगाई हैं, बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वालों का है। ये जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, ये जो पर्सनल लोन 50,000 रुपया दे के, जैसे बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट, EHDB फाइनेंस, ये सब तो कस्टमर को बर्बाद कर देंगी। तो समझ जाओ कि बहुत ज्यादा दिक्कत सामने लोगों के पास आया है। तो केंद्र सरकार और आरबीआई और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद किया जाए, ये दोस्तों 2 नवंबर को मालूम होगा। बाकी सच्चाई ये है दोस्तों कि आपका जो इंटरेस्ट माफी की बात हो रही थी आपका इंटरेस्ट माफ बहुत कम होगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्लियर कर दी। अब आप लोग के मन में जो चीजें था आप समझ जाइए कि आपका जो फाइनल अपडेट है 5 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा। और जो भी लोग सोचते थे कि हमें सरकार बहुत बड़ा पैकेज देगा, दोस्तों पैकेज तो उनके लिए है जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास दिक्कत ही दिक्कत है उनके लिए तो ना कभी पैकेज था और ना कभी होगा, ये मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं। तो पता है काफी लोग अभी इनकम तो कर रहे हैं बट दोस्तों अभी उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो लोन एमआई पैड कर सकें। दोस्तों आदमी एमआई पैड करेगा कि इंटरेस्ट पैड करेगा? एक बात तो सत्य है दोस्तों कि जितना भी कंपनी और बैंक इंटरेस्ट लगा रही है लास्ट में कस्टमर वही होगा
कि उनका सिविल खराब करने की धमकियां दी जाएगी, कोई पैसा पे नहीं कर पाएगा। अब जिसकी औकात 10,000 रुपए की है और कंपनी इंटरेस्ट लगा के अगर उसको 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 अगर कर देता है तो क्या वो पैसा कोई पे करेगा? दोस्तों तो कभी नहीं पे करेगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो पूरी सच्चाई है जो मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि 5 नवंबर डेट में पहले पहले क्या लाइव आ जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर की डेट में फाइनल अपडेट सबको सुना देते हैं, क्या मोरेटोरियम 3 मिल जाता है, क्या खबर आएगी, वेट कीजिए। ये कहानी की जो मैं आपको शेयर किया हूँ, इसमें क्या सही लगा क्या गलत लगा कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।